लिए, समाज के लिए, तो वो तभी कर गए क्योंकि उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। मैं नहीं समझता कि आज तक भारत के इतिहास में जितनी ज्यादा उपाधियां उन्होंने प्राप्त की थी, इतनी उपाधियां किसी के पास आज हिंदुस्तान में हो। और यही कारण था कि एक दलित होने के नाते जिस व्यक्ति को क्लास में सबसे पीछे बैठाते थे, जिसके साथ हाथ लगाना भी दूसरे बच्चों को वर्जित था, और अध्यापक जिसके साथ जो है भेदभाव करते थे, उस बच्चे ने ज्ञान के स्तर पर पूरी दुनिया को हिला दिया। आज हम आप दलित भाई सब इकट्ठे होकर हम उनको एक दलित का मसीहा बताते हैं, ये उनका एक बहुत छोटा आकार बना दिया हम लोगों ने। वो केवल दलित के मसीहा नहीं थे, वो एक दार्शनिक व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए इस देश में अधिकार दिए हैं। आप संविधान को पढ़कर देखिए, बच्चों से लेकर, मजदूरों से लेकर, महिलाओं से लेकर, कौन सा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग के लिए संविधान में उन्होंने अधिकार नहीं दिए हैं, और उन्होंने इसके लिए संघर्ष भी किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब उन्होंने हिंदू कोड की बात की थी, तो उसके ऊपर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्शन किया था, और बाद में हिंदू कोड को वहां पर कमजोर करके आज तक भी उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है। ऐसी कुछ बातें और भी रही हैं जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, और उन्होंने उस संघर्ष के नाते संविधान में उन चीजों को डलवाकर, इसके बावजूद भी सरकार बनने के बाद 2 साल के बाद उनको रिजाइन देना पड़ा था, क्योंकि जो